Nadia Nighat is not only the first woman football coach of Jammu and Kashmir but also a big example for all the girls. She didn't bother about anyone being against her. When she joined the local training station, she was alone among 40 to 50 boys. She and her family had to face a lot of criticism for it, but she didn't back off. Today, people who were against her appreciate her. Nadia, in a conversation with NNIS, spoke about how she struggled to become the female football coach. She revealed how people who were against her are today in her support. जी, जो कि मैंने शुरुआत करी है 2007 से फुटबॉल खेलना, तो 2010 में मैंने पहला नेशनल खेला. तो जब भी मैंने नेशनल खेला तो उसके बाद मुझे पता चला एक्चुअल फुटबॉल है क्या. तो तब तक मैं ऐसे ही खेलती गई, लाइक बच्चों के साथ खेला. तो जब 2010 में मैंने पहला नेशनल खेला जम्मू में, तो तभी मेरे को पता चला कि हाउ टू प्ले फुटबॉल, कि फुटबॉल असल में गेम क्या है, कैसे खेला जाता है. तो फिर मैंने अपने माइंड में सेट किया कि मुझे तो फुटबॉल में आगे जाना है, क्योंकि सब भी बोलते थे कि फुटबॉल में कैरियर नहीं है, वो भी ज़्यादा गर्ल्स के लिए. तो इसलिए मैंने तभी सोचा कि नहीं, मुझे फुटबॉल में नाम कमाना है, आगे जाना है. जो भी मतलब लोगों की सोच है कि फुटबॉल में कोई फ्यूचर नहीं है लड़कियों के लिए, और मेरा वही था दिमाग में कि नहीं, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे कुछ करके दिखाऊं, सबको बताऊं कि फुटबॉल में कितना है, एक लड़की के लिए भी मुश्किल नहीं है, लड़की भी आगे बढ़ सकती है. मुश्किल तो हर एक, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में मुश्किल नहीं है, मुश्किलें आ जाती है, लेकिन उन मुश्किलों को फेस करने के बाद ही जो अचीवमेंट मिलती है उसको स्ट्रगल कहते हैं. और स्ट्रगल, जब तक एक स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रगल नहीं करे तब तक तो उसका स्पोर्ट्स का कुछ मतलब नहीं है. तो वैसा ही सेम केस लाइक मेरे साथ हुआ, जैसे कि पेरेंट्स परमिशन नहीं देते थे, अपने रिलेटिव्स परमिशन नहीं देते थे, या अपनी सोसाइटी परमिशन नहीं देती थी. उनसे लड़के आगे बढ़ने में जितना प्रॉब्लम हुआ कि वो सब मेरे को फेस करना पड़ा ताकि मैं एक लेवल पाऊँ. और अभी मेरे पास ऐसा लेवल है कि जो उस वक्त मेरे अगेनेस्ट है अभी वो मेरे सपोर्ट में है. तभी मतलब अभी वो भी पूछते हैं कि आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, क्या किया, अभी क्या खेलने का इरादा है. तो अभी अच्छा लग रहा है कि वो सब अभी सपोर्ट में है. जब भी मैं पहले दिन फुटबॉल खेलने गई थी, तो मैं ऐसे लड़कों के साथ गई थी खेलने के लिए, तो तभी मैंने घर पे नहीं बोला था. तो जब शाम को मम्मा ढूंढने लगी तो उसको पता चला मैं ऐसे ग्राउंड गई हुई हूँ, वो रास्ते में मिली. तो फिर मम्मा ने मार मार के दे के घर तक लाया. फिर जब घर पहुंची, फिर घर में पापा को बोला ऐसे, फिर सभी ने मना किया, मम्मा ने भी पापा ने भी मना किया खेलने के लिए. फिर मैं और ऐसे एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसे निकलती गई. फिर पापा ने मम्मी को बोला नहीं जाने दो, अगर इसको खेलना है और अभी इसकी ये छोटी है तो अभी खेलने दो, क्या पता आगे इसमें तो फ्यूचर है नहीं, तो अभी इसका बचपन है तो खेलने दो अभी. तो वही बचपना लेके मैं आगे बढ़ी, और घर वालों को अभी भी प्राउड फील हो रहा है कि नहीं, उस वक्त मुझे पापा ने सपोर्ट किया, तो अभी मम्मा इतना सपोर्ट कर रही है कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि देने के लिए कि फैमिली कितनी सपोर्ट कर रही है मुझे. अभी मैं यहाँ पे हूँ तो उनके सपोर्ट की वजह से हूँ. एज अ प्लेयर ही खेलना चाहती थी मैं, इंडिया के लिए खेलना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे क्या, कश्मीर में क्या प्रॉब्लम था कि वहाँ पे वुमेन टीम नहीं है. और जब भी मैं खेलने लगी, मैंने 2010 में नेशनल खेला, उसके बाद मैंने 2015 में नेशनल खेला, तो जो बीच के 5 साल मेरे ज़ाया हो गए, वो नज़र में रख के मैंने चुना कि मैं क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं कोचिंग में जाऊं. और जो प्रॉब्लम मुझे देखना पड़ा कि 5 साल मेरे बीच में ज़ाया हो गए, वो किसी और लड़की के ना हो, क्योंकि जो लड़कियाँ खेलना चाहती है उनको मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूँ, उनके लिए मैं कोचिंग सीखूँ और उनको कोचिंग दूँ, ताकि वो लड़कियाँ आगे जाके इंडिया के लिए खेले. अगर मैं नहीं खेल पाई, कम से कम मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट वो खेल पाए. इसलिए मेरा था कि मैंने कोचिंग, प्लेइंग से कोचिंग कैरियर चुना. ऐसा नहीं कि मैं प्लेइंग नहीं हूँ, मैं अभी भी खेलती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं अभी कोचिंग में हूँ.